For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. Hello friends, मैं हूं आस्था सती और स्वागत करती हूं आपका Top News Just For You में, जहां आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए ढेर सारी बॉलीवुड की गॉसिप्स, जो नए साल के शुरू होने के साथ ही सोशल मीडिया पर क्रिएट कर रही हैं बहुत ही सारा बस. एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल टू, क्योंकि नए साल के साथ ही हम आपके लिए चार चटपटी खबरें लेकर आए हैं, जो चटपटी खबरें शायद आपको भी लगने वाली है बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग. तो नए साल की शुरुआत की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले बात करने वाले हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की. बॉलीवुड के नए नवेली कपल हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर इनको लेके तमाम तरह के रिएक्शंस हमें आए दिन देखने को मिलते हैं. आधे से ज्यादा लोग तो कहीं ना कहीं दोनों की जोड़ी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन रणबीर और आलिया के फैंस को इन दोनों का साथ रहना बहुत भाता है. हाल ही में इन दोनों की फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, जहां नीतू कपूर ने और साथ ही रिधिमा कपूर यानी कि रणबीर कपूर की सिस्टर ने अपने सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं, जहां ऋषि कपूर की जो हालत थी वो थोड़ी सी हमें ट्रैजिक लगी है क्योंकि वो कैंसर का इलाज करा रहे हैं वहां पे. लेकिन ऐसे में जो सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना वो कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट थे. वेल, हैव अ लुक. बॉलीवुड के सभी सेलेब्स ने 2019 का स्वागत बहुत ही स्टाइल से, बहुत ही जश्न से और बहुत ही खुशी से किया है. यही वजह रही कि जिस बॉलीवुड कपल का इंतजार बहुत ही बेसब्री से किया जा रहा था, यानी कि उनकी फोटोग्राफ्स का, उनकी स्टाइल ऑफ सेलिब्रेशन का, वो और कोई नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री के न्यू लव बर्ड्स रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहे, जिनकी फोटोग्राफ्स हाल फिलहाल में आउट हुई हैं और ये दोनों ही बेहद खूबसूरत अंदाज में, बेहद ही प्यार में डूबे हुए लग रहे हैं. जी हाँ, बता देते हैं कि रणबीर कपूर के सिस्टर और साथ ही उनकी मदर यानी कि नीतू कपूर ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोग्राफ्स डाली हैं, जहाँ पे पूरी कपूर फैमिली तो थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं आलिया भट्ट भी इस कपूर फैमिली में जुड़ती हुई दिखाई दी. साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि बेशक ये सभी सेलिब्रिटीज यानी कि नीतू कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर या फिर आलिया भट्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, लेकिन फोटोग्राफ से साफ पता चलता है कि आलिया भट्ट अब कपूर खानदान की बहुरानी बनने को पूरी तैयार हो चुकी है. तो रणबीर और आलिया के न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद आपको सीधा लेके चल रहे हैं उस कंट्रोवर्शियल खबर की तरफ, जिसने हाल फिलहाल में अपने ट्रेलर से जबरदस्त तरीके का बस क्रिएट कर दिया है. क्योंकि बॉलीवुड में ट्रू इवेंट्स पर फिल्म बनाना अपने आप में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल खबर भी होती है, कई बार काफी ज्यादा बस भी क्रिएट होता है, लेकिन जब जब वो ट्रू इवेंट्स पॉलिटिक्स पे बेस्ड होते हैं तब उसका हल्ला कुछ अलग ही लेवल का होता है. यही वजह रही कि अनुपम खेर की आने वाली फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेके बहुत तगड़ा तमाशा हो गया है. लेकिन अब इससे बड़ा तमाशा दरअसल ये हुआ है, जहां पे अनुपम खेर का ये कमेंट आया है कि उनकी फिल्म का ये ट्रेलर यूट्यूब पे ढूंढना तक मुश्किल हो गया है. Yes, अगर आप सर्चिंग पे डालते हैं यूट्यूब के द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्रेलर, आपको ये बता देते हैं कि उससे जुड़ी हुई तमाम न्यूज नीचे आएगी, लेकिन ट्रेलर नदारद मिलेगा. हैव अ लुक ऑन दिस न्यूज एज वेल. बॉलीवुड में ट्रू इवेंट्स पर फिल्म बनाना अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. अगर इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी सीन, कोई भी बात दर्शकों को पसंद नहीं आती है या उनके हिसाब से मेंटली करेक्ट नहीं होती है, तो उस फिल्म में बवाल मचने पर देर नहीं लगती है. हाल फिलहाल में हमने बहुत सारी फिल्मों पर ऐसा बवाल मचता हुआ देखा है. ऐसा ही कुछ इशू खड़ा हो गया है एक बार फिर से द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेके, जो बेस्ड है 2014 में आई संजय बरूस की बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर. इतना ही नहीं, आपको ये भी बता देते हैं कि जब से ये ट्रेलर रिलीज हुआ था तब से लगातार यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था. लेकिन हाल फिलहाल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने और साथ ही इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि अनुपम खेर की माने तो इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है. कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि इस ट्रेलर को सिर्फ और सिर्फ कुछ जगहों से ही हटाया गया है, या फिर कहे कि कुछ जगहों के लोगों के लिए ही ढूंढना मुश्किल किया गया है. हालांकि अब प्रॉपर खबर क्या है, किस तरीके से इस ट्रेलर को लेकर मचा बवाल अभी भी थम नहीं रहा है. मतलब ये कंट्रोवर्सी तो लगातार चलने वाली है जब तक लोकसभा इलेक्शंस 2019 नहीं आ जाते हैं. और अब सीधा आपको लेके चलते हैं कॉफी काउच पे, जहां इस बार कॉफी विद करण में पहली बार क्रिकेटर्स आने वाले हैं. इतना ही नहीं, आपको ये भी बता देते हैं कि इस बार कॉफी काउच को ग्रेस करने के लिए द हैंडसम हंक केएल राहुल और हार्दिक पांड्या आएंगे, जहां पे ढेर सारी गपशप होगी, ढेर सारी क्रिकेट की बातें पहली बार करण जौहर करते हुए दिखाई देंगे. एंड यहां पे ये बात कहनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बार का कॉफी विद करण यानी कि सीजन 6 इतना ज्यादा अच्छा चल रहा है, जहां पे हर तरह के ड्यूओ और ट्रायो हमें देखने को मिल रहे हैं. रिसेंटली साउथ इंडस्ट्री के मेगा मोशन पिक्चर के स्टार आए थे, जहां पे प्रभास, एसएस राजामौली और राणा रघुपति दिखने को मिले थे. तो वहीं इस बार क्रिकेटर्स का कॉफी काउच में होना अपने आप में हमारे लिए और ऑब्वियसली केजो के लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस होने वाला है. वेल, हैव अ लुक.
बॉलीवुड गॉसिप का हब बन चुका शो और साथ ही स्टार वर्ल्ड का अब तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर बॉलीवुड शो यानी कि कॉफी विद करण रिसेंटली इस सीजन बहुत ही अच्छा रन कर रहा है और साथ ही दाद देनी पड़ेगी इस बार की गेस्ट की और कॉफी विद करण में उन ट्रायो की या उन डियो की जो हर बार हर सीजन आते हैं, क्योंकि इस बार के इस सीजन के जो गेस्ट आने वाले हैं और जो आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। यही वजह रही कि हाल फिलहाल में हमने कपूर सिब्लिंग्स को देखा यानी कि सोनम रिया और हर्षवर्धन को, जिनकी क्रेजीनेस ने जिनकी बैडनेस ने वाकई में सभी का दिल जीता है। लेकिन अगले हफ्ते यानी कि अगले संडे आने वाले हैं क्रिकेटर्स यानी कि कॉफी विद करण में फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि कोई बॉलीवुड से बाहर का बंदा आने वाला है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता देते हैं कि इस काउच को और भी ज्यादा ग्रेस करने के लिए हार्दिक पांड्या एंड द वेरी हैंडसम केएल राहुल आने वाले हैं, जिनके साथ मिलकर कॉफी विद करण में होगी ढेर सारी गपशप, ढेर सारी मस्तियां। कॉफी विद करण के काउच से सीधा आपको लेके चलते हैं करण जौहर की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सिम्बा पर, जिसने साल 2018 का एंड ब्लॉकबस्टर तरीके से किया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब शुरुआत में इसका ट्रेलर आउट हुआ था तो खास रिएक्शंस नहीं आए थे, मूवी रिलीज हुई तब भी खास रिएक्शन नहीं आए, लेकिन बावजूद इसके जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे सिम्बा को लेकर क्रेज लोगों के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि प्रेजेंटली इंडिया के अंदर इसका ग्रॉस कलेक्शन 122 करोड़ पहुंच गया है। बता देते हैं कि रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की एनर्जी साथ में मिलकर इंडल्ज तो की गई है, लेकिन सारा अली खान की ब्यूटी ने भी इस मूवी को और भी ज्यादा ग्रेसफुल कर दिया है, जिसको देखना बनता ही था। वेल हैव अ लुक। वेल, बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर मच अवेटेड फिल्म यानी कि सिम्बा से जुड़ी कैसी अपडेट के साथ हाजिर हो गए हैं हम, जिसके बाद आप सभी फैंस भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। जी हाँ, जहाँ आपको बता दें कि इस फिल्म का रिलीज होने से पहले ही फैंस को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था और फैंस ने भी इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दिया है, इसलिए 5 दिन में ये फिल्म शामिल हो गई है 100 करोड़ के क्लब में। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और ये फिल्म 100 करोड़ से भी आगे पार कर गई है। जी आपको बता दें कि सारा अली खान की पहली फिल्म है जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है और अब सारा अली खान भी उन एक्ट्रेस में से शामिल हो गई हैं। तो आलिया रणवीर, अनुपम खेर, सिम्बा और कॉफी विद करण की तमाम अपडेट्स देने के बाद आपके सामने हम बहुत जल्द लौटने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, जहां आपके लिए टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक की तमाम बड़ी खबरें हम लगातार लेकर आते रहते हैं। टिल देन, बाय बाय। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।